वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री सहज पाठ सेवा लहर के वलों करवाए जा रहे सहज पाठ मुकाबलियां दे विच अज साडे कोल बाबा बुढ़ा जी स्थान ते कथू नंगल विखे स्कूल दे विद्यार्थी टीचर साहबान अपने विद्यार्थियों समेत पहुँचे ने। आपां इन्हां नाल गुरबाणी उचारण बारे जो इत्थे इन्हां दे मुकाबले होए ने उन्हां दे बारे गल्लां बातां करांगे। आओ सब तो पहलां भाई साहब जी नूं जिउवां आखदे हां। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे आउण ते तुहानूं बहुत निघा जिउवां आखदे हां जी। ते तुहाडा की नाम है, तुहाडे स्कूल दा की नाम है जी? मेरा नाम अर्शदीप सिंह है ते मेरे स्कूल दा नाम श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सैकेंडरी स्कूल गोपालपुरा मजवेंड है जी। अच्छा जी, भाई साहब जी, तुसीं इस मुकाबलियां विच कदी पहलां भी गए हो जां इत्थे ही पहली वार आए हो? सर, मैं पहला एक दो बार गया सीगा, पहला पता नहीं हुण इस सोसाइटी नाल रिलेटड सीगे जां होर किते सीगा, बट सहज पाठ मुकाबलियां दे विच मैं बच्चे लैके गया पहला भी। अच्छा जी, ते तुहानूं इत्थे वीर जी तुसीं आए हो, तुहानूं किवें दा लग्गिया? सर, बहुत वधिया एक्सपीरियंस आ, क्योंकि जे असीं इस चीज़ नाल रिलेटड गल करी ने गुरमत दे नाल रिलेटड, ते प्रचार दे बहुत साधन ने, क्योंकि जिवें देखते हैं गुरमत क्लासा भी अजकल बच्चों दी लगदियां ने, बहुत अवेयरनैस आई है कौम दे विच, क्योंकि पहला आप सिर्फ कीर्तन दरबारा तक सीमित सीगे जां वड्डियां वड्डियां स्टेजा तक सीमित सीगे, हुण बच्चों दे विच अवेयरनैस वास्ते चलो ये सोसायटी जिहड़ी सहज पाठ सोसायटी है ये भी बहुत वधिया काम कर रही है, होर भी कई सोसायटियां ने जिहड़ियां ये काम कर रही, तो एक एक्सपीरियंस है कि आप जिवें कह लेंगे कि पिंडां दे विच असीं सारे रहिंदे आ कि पनीरी जदों आप बीजते हैं ना भाई साहब, और पनीरी जो थोड़ी जी वड्डी हो जाए तो पिंड दे विच आम ही कहावत हुंदी है कि इहनू पनीरी नू जां ते झोना ला लईए नहीं तो खराब हो जाणी है। उस तरह ये साडे बच्चे आ, जिवें इन्हां नू आपां छोटी उम्र दे विच ही किसी बन्ने ला लांगे, इन्हां नू चंगे पासे ला लांगे, तो ये उम्मीद है, उम्मीद नहीं कह सकते, यकीन है कि ये जिहड़ी चीज़ आ ये बहुत वधिया अपने आप नू ते बनाउणगे ही, ते अपना जिहड़ा संसार है, अपनी कौम है, अपना धर्म है, उहनू भी बहुत वधिया लैके जाणगे। तुसीं भाई साहब जी स्कूल विच की टीच करदे हो? मैं मेरा वीर जी विशा धार्मिक अध्यापक का ही है वैसे, तो नाल मैं बच्चों कीर्तन का जो म्यूजिक का विशा वो सिखा बच्चे। हाँ जी, जदों बच्चों सिक्ख्या देने वाले अध्यापकों के अंदर यह सिद्धांत जो गुरसिखी का गुरु नानक पातशाह जी तो लैके चले आ रहा वो अंदर उन्होंने होवे जज्बा होवे जोश होवे तां जिहड़ा साडे पंजाब दे बच्चे ने वो वाकई एक चंगे पासे नूं जाणगे, साडा पंजाब पहला वाला पंजाब हरिया भरिया पंजाब सोने की चिड़ी बन जाएगा। ते आपां सारे बच्चों नाल गल करांगे, उत्थे भाई साहब नाल गल करदे आं वी तुसीं आप सहज पाठ करदे हो जी? जी वीर जी, मेरा मेरे काफ़ी वैसे सहज पाठ किए, मैं कभी गिनती मिनती नहीं रखी इस चीज़ की, तो चलो नहीं गल ये जी गिणतियां मिणतियां विच यकीन नहीं, पर यह तुसीं अज कैमरे ते रूबरू हो रहे हो संगतां दे, प्रेरणा स्रोत बणोगे किसी लई, है ना, हर एक दे भागां विच नहीं हुंदी इह चीज़ वी, एक सहज पाठ करना बड़ा वड्डा हुंदा, पर तुसीं तां कई सहज पाठ किए ने। हाँ जी वीर जी, मैं लगभग जो तक मैं याद है मैं चौथी जमात च पढ़ता सीगा जो पहली बार सहज पाठ आरंभ किया, साडे घर के सामने गुरु घर आ, उदों ये सिस्टम नहीं सी हुंदा जिवें अजकल पोथियां घरां दे विच मिल जांदियां, उह साडे बजुर्ग ग्रंथी सिंह उह गुरुद्वारा साहिब दे विच ही आरंभ किया सीगा पहला पाठ, तो उस तो लैके निरंतर चालू आ अज तक मेरे हिसाब नाल 14-15 पाठ जो तक मैनू लगता याद है भी इन्ने तक हो गए होणगे। हाँ जी, मैं तुहाडे कोल फिर वापस आऊँगा, उस तो पहले आप बच्चों गल्लां बातें करते हैं। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा नाम की है? मेरा नाम साइमनप्रीत है। तुसीं कि क्लास पढ़ते हो? मैं 10वीं क्लास पढ़ता। अच्छा, तुहाडा सहज पाठ किन्ना पुत्र है? पहला ही है। पहला ही सहज पाठ कर रहे हो? सहज पाठ करते हैं पुत्र, कोई एहसास होया होवे वखरा जो पहला कदे नहीं सी होया? हाँ जी, मन नूं शांति मिलदी पाठ करके। घर विच होर कौन कौन सहज पाठ करदा? मम्मा करदे ते दादी मां करदे। सहज पाठ ही करदे ने? हां जी सहज पाठ। तुहाडे तों सिख उहनां ने शुरू कीता करना जां पहला तों करदे? पहला वी करदे। चलो बहुत बख्शिश है गुरु साहिब दी, है ना। तुहाडा पुत्र की नाम है? मुस्कानप्रीत कौर। तुहाडे घर च सहज पाठ करदा कोई? नहीं जी। कल्ले करदे हो? हां जी। तुहाडा किन्नवा सहज पाठ है? ए हजे पहला ही है। कर रहे हो? नहीं, हो गए संपूर्ण। हो गया संपूर्ण। हां जी ठीक है। पुत्र तुहाडा नाम की है? अर्पण कौर। केड़ी क्लास च पढ़दे हो? 8वीं। ठीक है। तुहाडा किन्नवा सहज पाठ है? पहला ही संपूर्ण कीता। ठीक है। घर च कोई बाणी पढ़ता होर? हाँ जी, मम्मा करते। तुहानू संगत दर्शन कर रही है, तुहाडे तुसी संगतां नू की संदेश देना चाहुंदे हो? कि सारयां नू सहज पाठ करना चाहीदा, क्योंकि सहज पाठ करना सानू परमात्मा नाल साडी नेड़ता वधदी, सानू मन दी शांति मिलदी आ। ठीक है। तुहाडे घर च कौन कौन ने पुत्र होर? मम्मा पापा ते दो ब्रदर। ते आपां इह काम घर तों शुरू करिए अज्ज? हाँ जी, घर जा के बेनती करिए उहनां नू। हाँ जी करांगे, क्योंकि आपां संदेश दित्ता वा, पर जो आपां पहलां आप खरे उतरीए फिर वह संगत से प्रभाव भी पैंदा, है ना। तो अज आप जाके बेनती करिए सारे बच्चे ही भी अपने मम्मा पापा नू सारे नू कहिए भी आप सहज पाठ करिए। ठीक है। तुहाडा बच्चे की नाम है? मुस्कानप्रीत कौर। केड़ी क्लास पढ़ते हो? 10C। किन्नवा सहज पाठ तुहाडा? एक संपूर्ण कीता। घर च कोई बाणी होर पढ़ता है?
नहीं कल ही कर दें तो आड़ा पुत्र रमनदीप सिंह क्लास करिए तो आड़ी टेंथ सियाई पढ़ करना है तो आड़ा दूसरा सियाई पढ़ हाँ जी कोई होर अनुभव बच्चे तो आड़ा सियाई पढ़ वाले सहज पाठ पढ़ते मन में शांति मिलती है इदा इदा लगता है परमात्मा के नेड़े जाने का एक रस्ता है सारे नु सहज पाठ करना चाहिए है ठीक है अच्छा तुसी सारे बच्चे आए हो तुहाडे कोई एह जी परिवार विच कोई घटना वापरदी है भी आपां फील करते हैं महसूस करते हैं भी ये गुरबाणी पढ़न तो बाद ही घर के वापरिया वा उस तो पहला नहीं सी ते कोई है यह जी घटना किसी बच्चे के घर जिवें बहुत सारे एक ना जी भिखी जिस तरह ना जी यही सहज पाठ सेवा लहर दे जो चलते हैं मानसा दे विच एक भिखी हैगा शहर तो उत्थे एक परिवार सी वह भैण नूं असीं एवें ही सहज पाठ लई सेंची साहब दित्ते तो वह भैण ने बड़ा अंदरों दर्द उन्होंने अखां दे विच दी पाणी आया बाहर कहिंदे वी मैं सहज पाठ नहीं कर सकती क्योंकि साडे घर मेरे पति ड्रिंक करते हैं दारू पीते हैं तो असीं उन्होंने कहा भी महाराज अगे बेनती करो तो तुसीं कोई गल नहीं सहज पाठ करो उन्होंने सहज पाठ किया तो होया कि असी कोई दो साल बाद मिले उन्होंने भैन जी बड़ी चढ़ती कला दे विच ते वो कहिंदे भी मेरे घर वाला दारू भी छड्ड गया अमृत भी छक लिया तो हुण वह भी सहज पाठ करदा सत श्री अकाल मतलब इहो जिहियां घटनावां अपने घरां दे विच हुंदियां ने कई वारी आपां नूं ध्यान च नहीं रहिंदियां तुहानूं इस करके पुछ रहे हां क्योंकि संगत तुहाडे दर्शन कर रही है तुहाडी वीडियो अगे वायरल होनी आ ते हर इक लई प्रेरणा स्रोत बणो तुसीं है ना सो भाई साहब जी तुसीं बच्चे लै के आए हो तो संदेश की देना चाहोगे भी हर एक बच्चे गुरबाणी जुड़ना चाहिए जी जी बिल्कुल वीर जी मैं तुसी जिहड़ा पहला बच्चों नू सवाल किया सीगा मैं वो दसना चाहुंदा क्योंकि बच्चे मेरे को डेली आउंदे ने स्कूल दे विच असीं पढ़ाउंदे आ बच्चों इन्हां दे घरेलू की इन्हां ते प्रभाव पए होणगे वह तो चलो बच्चे जानते हैं मैं इन्हां दी जिहड़ी स्कूली विद्या मैं उहदे बारे गल करदा कि मैं काफ़ी टाइम तो बच्चों के विचर रहा मेरी नॉर्मल एक अकैडमी भी है इस तो शाम को मैं जाके उत्थे भी टीच करदा बच्चे मेरे को भाई साहब 35 के करीब ने असी नौजवान वीर के सहयोग के नाल अकैडमी चला रहे हैं तो उत्थे बच्चे रोजाना गुरबाणी कीर्तन इदा मतलब सिखते गुरबाणी के नाल जुड़े आ सहज पाठ के जुड़े आ बाणी भी पढ़ते हैं सारा उन्होंने इदा का क्योंकि मैं ये तो दस रहा कि मेरा रुझान जोड़ा बच्चों के ज़्यादा है तो बच्चों के नाल कॉन्टैक्ट इन्नी कि चीज़ जरूर पता लगती है कि बच्चे कई बार तुम देखते हो मन शैतान होंगे शो है ना मन शैतान है ये मन टिकता नहीं ना पढ़ाई दे विच ना ये कभी चंगे काम दे विच नहीं टिकता हुंदा पर बच्चे जदों तो इन्होंने बाणी पढ़नी आरंभ की है शुरुआत की है इन्हों बच्चों के माइंड के बड़े चेंजस देखने को मिलते हैं वो चीज़ ये नहीं ज आपां इहनूं कोई निक्की जिही चीज़ नहीं समझ सकते ये बहुत वड्डी गल आ क्योंकि कोई भी बच्चा किसी टाइम तक वो सिर्फ तो सिर्फ अपनी खेड वल ध्यान दिंदा है अपनी मन मौज मस्तियों वल ध्यान दिंदा क्योंकि जिवें इन्हां दी टीन एज आ वड्डे हो रहे आ एक स्टेज इन्हां दी इहो जी आ जिथे गुरबाणी वल ध्यान नहीं जांदा साडा पर अजिही उम्र दे विच जिथे बच्चों नूं सिर्फ खेड प्यारी है जां अजकल जिवें संसार दे विच आपां देखदे हां अपनी सोसाइटी दे विच भी बहुत गिरावट आ चुकी है ना हाँ मोबाइल देख लो कुछ भी आपां ला लईए बहुत गिरावटां ने साडे समाज दे विच इन्हां बच्चों की दूरी बड़ी है उस चीज़ तों किताबा दे नाल लगाव बन गया गुरबाणी दे नाल लगाव बन गया और चाहिए भी की है सिर्फ आही चीज़ा जिहड़ियां बच्चों के चेंजस मैनू देखने को मिले परसनली तो बच्चे तो तुहानू कई बार बच्चे समझ जाते हैं कैमरे से बोलते हैं पर बच्चों के चेंजस है मैं इस चीज़ की श्योरिटी देना तुहानू मतलब जिंदगी दे विच जीवन दा जिहड़ा चज है ते अचार है वह सिख लिया जाता है ना बच्चों वालों गुरबाणी तो सीध लैके सो तुहाडा इत्थे आया तो बहुत धन्यवाद करते हैं जी ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।